मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग में हमारे आसपास ऐसे अनेक लोग हैं जो समाज के रियल हीरो हैं और इस परिस्थिति में भी सबसे आगे खड़े हैं। मुझे नरेंद्र मोदी ऐप पर, नमो ऐप पर बेंगलुरु के निरंजन सुधाकर हेवाले जी ने लिखा है कि ऐसे लोग डेली लाइफ हीरोज हैं। ये बात सही भी है। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी आसानी से चलती रहती है। आप कल्पना करिए कि एक दिन आपके घरों में नल में आने वाला पानी बंद हो जाए या फिर आपके घर की बिजली अचानक कट जाए, तब ये डेली लाइफ हीरोज ही होते हैं जो हमारी दिक्कतों को दूर करते हैं। जरा आप अपने पड़ोस में मौजूद छोटी परचून की दुकान के बारे में सोचिए। आज के इस कठिन समय में वो दुकानदार भी जोखिम उठा रहा है। आखिर किस लिए? इसलिए ना कि आपको जरूरत का सामान मिलने में कोई परेशानी ना हो। ठीक इसी प्रकार उन ड्राइवर्स, उन वर्कर्स के बारे में सोचिए जो बिना रुके अपने काम में डटे हैं ताकि देश भर में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई चेन में कोई रुकावट ना आए। आपने देखा होगा, बैंकिंग सेवाओं को सरकार ने चालू रखा है और बैंकिंग सेक्टर के हमारे लोग पूरे लगन से, पूरे मन से इस लड़ाई का नेतृत्व करते हुए बैंकों को संभालते हैं, आपकी सेवा में मौजूद है। आज के समय ये सेवा छोटी नहीं है। उन बैंक के लोगों का भी हम जितना धन्यवाद करें उतना कम है। बड़ी संख्या में हमारे साथी ई कॉमर्स से जुड़ी कंपनियों में डिलीवरी पर्सन के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये लोग इस कठिन दौर में भी ग्रॉसरीज की डिलीवरी देने में लगे हुए हैं। जरा सोचिए कि आप लॉकडाउन के समय भी जो टीवी देख पा रहे हैं, घर में रहते हुए जिस फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सबको सुचारू रखने के लिए कोई न कोई अपनी जिंदगी खपा रहा है। इस दौरान आप में से अधिकांश लोग जो डिजिटल पेमेंट आसानी से कर पा रहे हैं, उसके पीछे भी बहुत से लोग काम कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान यही वो लोग हैं जो देश के कामकाज को संभाले हुए हैं। आज सभी देशवासियों की तरफ से मैं उन सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे अपने लिए भी हर तरह के सेफ्टी प्रिकॉशंस लें, अपना भी ख्याल रखें